जियो फाइनेंस अब आप लोगों को नए तरीके से लोन दे रहे हैं, जहां पे आप लोगों को मिलेंगे 3 लाख रुपए तक का लोन और 12 मंथ से 36 मंथ का आप लोगों को लोन रीपेमेंट करने का समय भी दिया जाएगा। तो अगर आप लोग भी है लोन के लिए परेशान, तो अब आप लोग जियो फाइनेंस से पर्सनल लोन ले सकते हैं। 3 लाख रुपए तक का लोन इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा। तो कैसे अप्लाई वगैरह करना है कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों को भी लोन की ज़्यादा ही इमरजेंसी है और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पे लोन लेना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को यहाँ पर सैलराइड पर्सन और नॉन सैलराइड पर्सन दोनों लोगों को यहाँ से लोन दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप सब सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप लोगों को लोन यहाँ पर मिलेगा 3 लाख रुपये तक का राशि। 12 से 36 मंथ का समय मिलेगा लोन रीपेमेंट के लिए। तो अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए हैं कि कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो चलिए बिना तरीके वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सब चैनल पर नए हैं, पहली बार आकर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आएंगे अपना प्ले स्टोर पर। आने के बाद यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे, माई जियो लिख करके सर्च कर लेंगे। इसका लोगो कुछ इस तरीके से है। इसी एप्लीकेशन को यहाँ पे आप लोग जो है इंस्टॉल करेंगे। हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है। हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर से जो है वो यहाँ पर साइन अप करना होगा। तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर से यहाँ पर जो है साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे एक ऑप्शन मोड वाला, ठीक है। इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आएंगे गाइस तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, लोन्स का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये लोन ऑप्शन आप लोगों को शो नहीं होता है तो कैसे शो होगा वो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये ऑप्शन आ रहा है लोन्स का, तो आप लोग इस वाले पे जो है वो जस्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा, जैसे कि देखिए कि यहाँ पे कुल 4 स्टेप में आप लोगों को लोन जो है वो दिया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा इसमें आप लोग का एलिजिबिलिटी चेक होगा। उसके बाद लोन ऑफर होगा, तो आप लोग जितना अमाउंट लेना चाहते हैं जितने मंथ के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरीफाई योर सेल्फ होगा और उसके बाद पैसा जो है वो आप सबके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो कुल 4 स्टेप में यहाँ पे लोन जो है वो अप्लाई होगा। तो नीचे में आप लोग यहां पर देखेंगे एक्सप्लोर का एक ऑप्शन है, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। तो यहां पे गाइस आप लोगों को लोन जो दिया जाएगा वो यहां पर 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप लोगों को यहां पर दिए जाएंगे। अगर आप लोग सैलराइड पर्सन है तो भी और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी दोनों आदमी को यहाँ पे लोन जो है वो दिया जाएगा। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद यहाँ पर फ्लेक्सिबल टेन्योर मिलेगा, जिसमें आप लोगों को लोन रीपेमेंट समय की अगर बात कर लेगा इस तो 12 से 36 मंथ का आप लोगों को यहाँ पे समय भी दिया जाएगा, जो कि लोन रीपेमेंट करने के लिए। इसके अंदर अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सब यहां पर इंडियन पर्सन होना चाहिए और उसके बाद आप सबका एज कम से कम यहां पर 23 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 58 होना चाहिए और आधार लिंक मोबाइल नंबर यहां पर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोगों को लोन का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप सबके आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो हो सकता है ये लोन का ऑप्शन भी आप लोगों को नहीं मिल पाए, इसलिए आप सबका यहाँ पर जो नंबर है वो आधार लिंक को होना चाहिए। तो अगर आप लोग यहां से लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पे आप लोगों को अपना पैन नंबर फिल करना है और आप सबका नाम और आपका मोबाइल नंबर यहां पे ऑटोमेटिकली फिल होगा, ठीक है। बाकी यहां पे एक ईमेल आईडी आप लोगों को फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे, जो आधार कार्ड पर आप सबका डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर डालेंगे और पिन कोड अपने एरिया का जो आप सबके आधार कार्ड पर एड्रेस है उस एड्रेस पर जो पिन कोड है उसी पिन कोड को आप लोग यहां पर डालेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएंगे, इस वाले पे आप लोग जो है क्लिक करेंगे। तो इस डिटेल को गाइस आप लोग अच्छे तरीके से यहां पर फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद गाइस यहां पर आता है इंटर योर प्रोफाइल डिटेल्स। तो इसमें अब आप लोग को अपना फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम फिल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइप को सिलेक्ट करेंगे कि आप सब सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अगर आप लोग यहां पर सैलराइड पर्सन है तो आप लोग को यहां पर कंपनी नेम डालना होगा, वर्क ईमेल आईडी और मंथली इनकम डालना होगा। अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहां पर आप लोग को सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को चूज करना है, ठीक है। मंथली इनकम को डालेंगे और उसके बाद यहां पर 2 रेफरेंस नंबर डालेंगे। तो आप लोग अपने फ्रेंड का डाल सकते हैं या फिर आप लोग अपने फैमिली मेंबर में से भी किसी का यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दो नंबर और 2 आदमी का नाम यहाँ पर आप लोगों को देना होगा रेफरेंस में। तो हम यहाँ पे सभी चीज को फिल कर दिए हैं, अब नीचे कंटिन्यू वाले पे जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सबका एलिजिबिलिटी जो है वो चेक किए जाएंगे। तो आप लोग अपना पेज को कट या रिफ्रेश यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। 100% होने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, इस वाले पे आप लोग जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे अब आप लोग को अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करने होंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को चूज करना है कि आप सबका किस बैंक अकाउंट में खाता है, आपका जो लेन देन होता है वो किस बैंक से अच्छा खासा, जिस बैंक से लेन देन होता है उसी बैंक का यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को 3 ऑप्शंस मिलेंगे। आप लोग चाहे तो यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग के माध्यम से वेरीफाई करा सकते हैं स्टेटमेंट को, बैंक वेरिफिकेशन को, ठीक है।
या फिर आप लोग चाहे तो यहाँ पे अपलोड अपना स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट को अपलोड करना चाहेंगे तो बैंक स्टेटमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को 12 मंथ का जो है वो बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर लिया जाएगा पीडीएफ में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आई कन्फर्म वाले पे क्लिक करेंगे और अपना पीडीएफ यहाँ पर जो है अपलोड करेंगे। पीडीएफ अपलोड होने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को जो है अपना पेज को कट या रिफ्रेश नहीं करना है, आप सबका जो बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर अपलोड होगा। तो आप लोग यहाँ पर कुछ सेकंड जो है वेट करेंगे, अपना पेज को कट या रिफ्रेश यहाँ पर नहीं करेंगे, कुछ समय आप लोग जो है यहाँ पर वेट करेंगे और उसके बाद सक्सेसफुली आप सबका यहाँ पर फेच हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सबके लिए कोई लोन ऑफर होगा तो आप सबके स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो गाइस जैसे ही आप लोग यहां पे अपना सारा कुछ कंप्लीट करते हैं उसके बाद अगर आप सबके लिए कोई लोन ऑफर होगा, आप सबका सिविल स्कोर ठीक ठाक होगा और आप सबके लिए कोई लोन ऑफर होगा तो आप सबके स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहां पे आप लोगों को अपना अमाउंट को कम ज़्यादा करना है, ठीक है। और उसके बाद आगे आप सब टेन्योर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप सबके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मानिए गाइस कि अगर आप लोगों को लोन का ये ऑप्शन आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। अगर ये लोन का ऑप्शन नहीं आता है तो आप लोगों को एक और एप्लीकेशन यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल करना है। जियो फाइनेंस लेकर के आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइस देखिए नीचे में आप लोगों को एक लोन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस वाले पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से भी अप्लाई होता है तो आप लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को माई जियो एप्लीकेशन के अंदर लोन का ऑप्शन आता है तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों जगह आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो हो सकता है आप सबके एरिया पे जो है अभी फिलहाल इसका जो सर्विस है वो एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, इसलिए आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा। और आप लोग यहां पर उसी नंबर से साइन अप करेंगे एप्लीकेशन के अंदर, जो नंबर आप सबके आधार कार्ड और बैंक से लिंक है उसी नंबर से यहां पर आप लोग साइन अप करेंगे ताकि आप सबको लोन अमाउंट मिलने में जो है वो आसानी होगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे लोन जो है वो माई जियो फाइनेंस से पर्सनल लोन अब नए तरीके से यहां पर ले सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप सबके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।